नाउ हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया था। रेस्पिरेशन से आगे हमने एनरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में भी पढ़ लिया था। लेट अस रीड अबाउट, लेट अस रिवाइज बेसिकली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले आता है नोज, देन नेजल कैविटी, देन द लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। After that, there are trachea divides into bronchi. Bronchi enter into the lungs. Bronchi further divides into bronchioles. Then the primary bronchiole, secondary bronchiole, and the tertiary bronchiole. And then to the alveoli. इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं हमारे next topic पे, that is transportation. Transportation क्यों जरूरी है? Transportation में transportation क्यों जरूरी है? For equal distribution of everything. देखो, किसी भी चीज में अगर पार्शियलिटी हो कि एक को ज्यादा दूसरे को कम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी भी चीज में ना हो तो फिर गड़बड़ हो जाती है। सो थस द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्स अप। थस ट्रांसपोर्टेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरी सब्सटेंस। इसमें हमने पढ़ा था ब्लड के बारे में, ब्लड इट्स कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट किया था टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। उससे नेक्स्ट किया था हमने मेन पंपिंग ऑर्गन दैट इज द हार्ट, हार्ट के बारे में पढ़ा था हमने। मेन पंपिंग ऑर्गन दैट इज द हार्ट। ये होता है ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। नाउ प्लांट ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है। व्हाई? मिनरल्स लेने के लिए, मिनरल्स नीचे से मिलते हैं, जो फूड है वो सनलाइट की हेल्प से लीव्स में बनता है, बट इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अदरवाइज क्या हो जाएगा, इनसिमिलैरिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। थर्ड हमारा कंसेप्ट आया था जाइलम एंड फ्लोएम का। जाइलम एंड फ्लोएम में बेसिकली वी रेड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एसेंट ऑफ सैप एंड द नेक्स्ट थिंग इज द ट्रांसलोकेशन, ठीक है। एसेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ा था। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? एसेंट ऑफ सैप होता है नेगेटिव, बेसिकली नेगेटिव मूवमेंट ऑफ वॉटर टूवर्ड्स द ग्रेविटी, की ग्रेविटी की तरफ से नेगेटिव मूवमेंट हो रही है, ऊपर वाली साइड जो भी वॉटर का मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप कहाँ पे होता है? ये होता है जाइलम में। एंड ट्रांसलोकेशन कहाँ पे होता है? ये होता है फ्लोएम में। ओके, दैट वॉज द टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नाउ हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, न्यूट्रिशन रिवाइज कर लिया, रेस्पिरेशन रिवाइज कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन रिवाइज कर लिया। अब हम लास्ट टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं, जो कि है एक्सक्रीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्रीशन, हाँ एक्सक्रीशन में एक टॉपिक था जो आपका रह गया था, दैट वॉज अबाउट द एनिमल एक्सक्रीशन। एनिमल एक्सक्रीशन में हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा था। सो एवरी एनिमल कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, दैट मे बी यूरिया, दैट मे बी यूरिक एसिड, दैट मे बी अमोनिया, ठीक है। यूरिया किस में होता है? यूरिया होता है बेसिकली मैमल्स में, ठीक है। यूरिक एसिड होता है बर्ड्स में, एंड अमोनिया इज अकरिंग इन द फिशेज। फिशेज में क्या होता है? अमोनिया होता है। जो ऑर्गेनिज्म यूरिया मेन
मतलब मेन जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है उनको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। जिन ऑर्गेनिजम्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, एंड जिनका वेस्ट मटेरियल अमोनिया होता है उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब एक्सक्रीशन होनी जरूरी क्यों है? बिकॉज एक्सक्रीशन कैन बी द नाइट्रोजीनस वेस्टेस, द नाइट्रोजीनस वेस्ट इफ एक्यूमुलेटेड इन बॉडी कैन बी harmful to the tissue and may cause tissue toxicity. Tissue toxicity से क्या होगा? Tissue toxicity से हमारे सारे tissues जो हैं वो खराब होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? That's why excretion is a very important process. अगर किसी की kidney खराब हो जाती है तो हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वो इन डिटेल आप मेरी वीडियो पे जाके देख लो अगर किसी को दोबारा से रिवाइज करना है। बट द मेन थिंग इज कि अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है तो हम आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस का सहारा लेते हैं, ठीक है? आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस का सहारा लेते हैं, अगर फिर भी अल्टीमेटली वी हैव टू ट्रांसपोर्ट अवर किडनी, किडनी ट्रांसपोर्टेशन हैव टू हैव टेक प्लेस, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली, सॉरी दैट इज ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांट हर हाल में होनी ही चाहिए, वरना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मेंटेन, ठीक है? अब बात करते हैं प्लांट्स की थोड़ी सी। प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स बेसिकली एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वॉटर, ठीक है? दे एक्यूमुलेट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड थ्रो आउट अलोंग विद the shedding leaves and twigs, ठीक है? वैसे ही जो किडनी वैसे ही एक और चीज है, gums and resins are also excretory products of प्लांट्स, जिसको हम यूज करते हैं एज यूजफुल थिंग्स ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स। ओके, सो दिस वाज अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर। आई होप आपको रिवाइज हो गया होगा एंड समझ आ गया होगा। थैंक यू।